Now again, next is program display or calculate total possible combinations for given values n and r. Combination previous case में discussion किया था just calculating permutations. Permutations के case में formula use किया था factorial of n upon factorial of n minus r. Same as combinations के case में formula क्या रहेगा? Formula for ncr is factorial of n upon factorial of n minus r multiply by factorial of r. इस प्रीवियस केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या कराया था, कैलकुलेट किया था r1 के फॉर्म में, r1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n, देन कैलकुलेट किया था r2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. लेकिन इस केस में वन मोर थिंग कैलकुलेट क्या करना है, r3 इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ सिंपली r. दिस वन इज न्यू लॉजिक्स विल बी एडेड इनसाइड दैट प्रॉब्लम. देन आफ्टर दैट सिंपली परफॉर्म क्या करा लेंगे, r4 इक्वल्स टू एक्चुअल कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू r1 डिवाइडेड बाय R2 multiply by R3. This is the logics for calculating combinations. Again, इस केस में required क्या होंगे, इसे extra variables कितने required है, previous program से अगर comparison किया जाए तो only single extra variable we have need, simply R4. Again, first of all providing variable declarations. मीन्स ये प्रोग्राम exactly somewhat similar किसके है, calculating permutations, providing variable declaration integer R1. R1, R2, R3, R4, N, R, I. Next one, initializing default value for R1 and R2 and R3 and R4, Y1. This is the default initial value. Reading inputs. Inputs किसके लिए read करना है? N के लिए, इसलिए use क्या करेंगे? Ports. Enter. इस केस में टू इनपुट्स रिक्वायर्ड है, टू इनपुट्स क्या क्या, n एंड r, इसलिए यूज क्या करेंगे, एंटर वैल्यूज फॉर n कॉमा r यूजिंग scanf. scanf फंक्शंस के थ्रू टोटल टू इनपुट्स रीड कराना है, इसलिए यूज करेंगे एंटर, सॉरी टू टाइम्स यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d % ऑफ n कॉमा % ऑफ r. नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ n. n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जस्ट प्रीवियस केस में राइट डाउन किया था, i इक्वल्स टू n, i ग्रेटर देन 1, i माइनस माइनस देन एवरी टाइम r1 इक्वल्स टू r1 मल्टीप्लाई बाय i, और सिंपली वी कैन यूज r1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू i. इसे n का फैक्टोरियल कैलकुलेट होने वाला आसानी के समझ आया, कंप्लीटली R1. नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ R2, अगेन फिर से यूज क्या करेंगे, सेम लूप 4i, लेकिन इस बार i का इनिशियल वैल्यू क्या यूज करेंगे, फैक्टोरियल जिस नंबर का कैलकुलेट करना है उसको इनिशियलाइज किसमें करते हैं, i में. इस बार फैक्टोरियल n माइनस r का कैलकुलेट करना है, इसलिए i का इनिशियलाइजेशन किससे होगा, डिफरेंस ऑफ n एंड r. नेक्स्ट वन i ग्रेटर देन 1, i माइनस माइनस. फाइनली इसका रिजल्ट किस में कैलकुलेट करा हुआ है, R2 में, इसलिए यूज करेंगे R2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू i. नेक्स्ट थर्ड केस, इस लूप का कंप्लीशन होने के बाद कैलकुलेट क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ r, अगेन फिर से यूज क्या करेंगे, सेम लूप i इक्वल्स टू r, i ग्रेटर देन 1, i माइनस माइनस देन R3 इक्वल्स टू R3 मल्टीप्लाई बाय i, इट इज इक्विवेलेंट टू R3 इक्वल्स टू R3 मल्टीप्लाई बाय i. फाइनली अब कैलकुलेट क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स और एक्चुअल कॉम्बिनेशंस, देन R4 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3, देन डिस्प्लेइंग रिजल्ट printf, एंटर, और रिजल्ट डिस्प्ले कराना, इसलिए यूज क्या करेंगे, डिस्प्लेइंग रिजल्ट मींस रिजल्ट इक्वल्स टू %d वैल्यू ऑफ R4, क्योंकि इसका रिजल्ट किस में आसान हो रहा है, वेरिएबल R4 में. मींस इस प्रोग्राम के थ्रू कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करना पॉसिबल. सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर्स लाइक दैट, इस जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट होना है इस केस में, 6 or 7 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैक समथिंग.
first one something r1, r2, r3, r4, n, r, i. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या हो रहा है, r1, r2, r3 का 1, 1 से. नेक्स्ट वन n का वैल्यू एंटर किया समथिंग 5 और r का वैल्यू किया समथिंग 3. फर्स्ट वन कैलकुलेट क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ r1, r1 में क्या आसान हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ n, n का वैल्यू 5 इसलिए r1 का वैल्यू क्या हुआ 120. नेक्स्ट टाइम सेकंड लूप के थ्रू कैलकुलेट क्या हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, n माइनस r इज 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मीन्स 2, 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा 2. नेक्स्ट वन थर्ड केस फैक्टोरियल ऑफ r, r मीन्स 3, 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा 6. आफ्टर दैट फाइनली कैलकुलेट क्या हुआ, r1, r4 इक्वल्स टू r1, वैल्यू ऑफ r1 इज 120 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन के मीन से इट इज इक्विवेलेंट टू 120 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2. यहां ब्रैकेट राइट करना कंपलसरी है, सपोज दैट अगर ब्रैकेट यूज नहीं करते देन सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा देन परफॉर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. इसलिए प्रायोरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज क्या करेंगे, ब्रैकेट्स. 122 को अगर 2 से डिवाइड करें देन डिवीजन कितनी बार होगा, 60 टाइम्स. देन 6 से डिवाइड करें देन डिवीजन क्या आएगा 10. इसका फाइनल रिजल्ट क्या, 10 इज असाइन टू द वेरिएबल r4. इसलिए फाइनल इस केस में रिजल्ट भी क्या डिस्प्ले हुआ, वैल्यू ऑफ r4 इज 10.